हे गाइस, तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे इंस्टा पे यूट्यूब के वीडियो के नीचे, जो कि बहुत ज़्यादा लोग बोले थे भाई ये वाला सॉन्ग अवेलेबल कराओ, ये वाला सॉन्ग अवेलेबल कराओ। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, तो मैंने जैसे कि बताया था कि 1000 प्रीवियस वाली वीडियो पर कंप्लीट होता है तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो फाइनली उस पर आप लोग देख सकते हो 1.2 की कंप्लीट हो गया, तो इस वीडियो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो एंड इसके लिए मैंने 1000 का ही टारगेट रखा, तो फटाफट से कंप्लीट करो कि जल्दी वीडियो बनाओ, तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सिंपल तरीके से वही आप लोग मैजिक एप्लीकेशन पर क्लिक करके सिंपल तो माइजी एप्लीकेशन पे आ जाना है। तो हमारा जो पहला क्वालिटी है, जो कि अभी इंस्टा पे काफी ज्यादा लोग उस पर रील बनाने स्टार्ट किए, मुझे लगता है कि ये सॉन्ग आने वाले डेट में बूम करने वाला है। ओके, सिंपल से आप लोग को वही माइजी एप्लीकेशन में जाना और सर्च करना है यहाँ पर आप लोग को सिंपल सा बॉम्बे टू पंजाब, और ये वाला सॉन्ग इज डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ एंड डेफिनेटली आप लोग को पसंद आएगा। तो बढ़ते गए इसमें अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, और नेक्स्ट कॉलर ट्यून निकल के आता है गाइस यहाँ पर एक ही बहुत ही ज़्यादा, जो कि अभी मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था जिसका नाम है सरफराज अहमद, ठीक है। तो इसका एक सॉन्ग मैं प्ले करके सुना दूंगा जो कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को भी पसंद आने वाला, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये यूट्यूब पर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो सिंपल सा आप लोगों को गाइस लिखना है तेरी उम्मीद, तो गाइस जिस तरह यहाँ पर लिखते हो यहाँ पर डबल आई लिखना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना उम्मीद, तो गाइस जिस तरह लिखते हो तो आप लोगों को ये वाला सॉन्ग फर्स्ट में ही शो कर देगा, एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसका भी छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूं, अगर अच्छा लगे तो सेट कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद वाला जो कॉलर ट्यून 2 आने वाला गाइस बहुत ही ज्यादा बूम है। तेरी उम्मीद ना करते हुए तेरी, तो आई होप गाइस कि ये वाली कॉलर ट्यून आप लोगों को पसंद आई होगी। तो 1000 लाइक का टारगेट है लाला, तो फटाफट से कंप्लीट कर दो, ठीक है, तो बस कर देना, 1000 का सवाल है। अब बढ़ते गाइस अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस निकल के आता है यहाँ पर सुमित गोस्वामी का। तो सिंपल से गाइस आप लोग बहुत सारे लोग सुने होंगे इस सॉन्ग का रेड आई, जो कि अभी इंस्टा पे बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ आप लोग को गाइस, आप लोग हो ही नहीं सकता कि आप लोग को पसंद नहीं है। तो आई होप गाइस कि ये वाली कॉलर ट्यून आप लोग को डेफिनेटली पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज गाइस पूरे इंडिया में नंबर 1 कॉलर ट्यून का चैनल हमारा है, तो सब्सक्राइब तो बनता है बहुत, बिकॉज मेरे इतना गाइस आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कॉलर ट्यून्स कोई अवेलेबल नहीं कराता ना कोई बताता है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और बढ़ते गाइस अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, नेक्स्ट कॉलर ट्यून निकल के आता है यहाँ पर मैं की करा, तो सिंपल से गाइस आप लोग को लिखना है यहाँ पर मैं की करान करान, इस टाइप का कुछ नाम है, थोड़ा वियर टाइप है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह का टाइप कर लेना, जिस तरह टाइप करते हो गाइस तो ये वाला भी सॉन्ग आप लोगों को फर्स्ट में शो करेगा, और ये वाला आमिर खान का सॉन्ग मूवी आने वाला है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा, नाम थोड़ा सा ऑकवर्ड है, ठीक है, उसको जज मत करना, बट ये वाला सॉन्ग गाइस बहुत ही ज्यादा पार्ट है, तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूं, डेफिनेटली पसंद आएगा। तुमको पहली बार मैंने देखा, तो आई होप गाइस कि ये वाली भी कॉलर ट्यून आप लोग को पसंद आई होगी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून तरफ, और नेक्स्ट कॉलर ट्यून सुनने के बाद आप लोग के गाइस आपके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकलने वाला है। अरे बहनचोद पवार, जुम करो, अरे बहनचोद। तो गाइज अब हम चलते हैं हम रैप सॉन्ग एंड कुछ हिप हॉप सॉन्ग के बारे में, जो कि ये एक से एक नेक्स्ट लेवल का है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट कॉलर ट्यून बताया, लेकिन ये वाला बॉयज के लिए कॉलर ट्यून है। तो देखो सिंपल सा सबसे पहला हमारा जो कॉलर ट्यून है, क्योंकि यहाँ पर से मैंने कैटेगराइज कर दिया है, 3 आप लोगों को पहले मैंने रोमांटिक एंड वायरल बताया, अब यहाँ पर थोड़ा हिप हॉप में चलते हैं। तो सिंपल सा गाइज आप लोग हमारा जो पहला कॉलर ट्यून है हिप हॉप रैप का, तो लेवल अप है, तो ये वाला गाइज मुझे डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, एंड अभी भी मैं इस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा सुनता हूं। तो जिस तरह लेवल आप लिखते हो गए तो आप लोग को एकदम स्क्रॉल करके एकदम लास्ट में जाना है, तो जिस तरह आप लोग स्क्रॉल करके लास्ट में जाते हो तो आप लोग को यहां पर शो कर रहा होगा डिवाइन का ये सॉन्ग है, जो कि काफी ज्यादा इंस्टा पे इसके सॉन्ग वायरल होते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूं, 100% श्योर हूं कि ये वाला सॉन्ग आप लोग को पसंद आएगा। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने सेकंड हिप हॉप सॉन्ग की तरफ, जिसका नाम है गाइज यहाँ पर गलगोरी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, बट मैंने फिर से सोचा कि इस कॉलर ट्यून को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, एंड ये रफ्तार का सॉन्ग है एंड काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, तो आप लोग एक बार सुन कर देखो। तो
तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने सुना हमारा सेकंड कॉलर ट्यून, अब चलते गाइस मैं आप लोगों को सुनाता हूं अपना हिप हॉप का लास्ट कॉलर ट्यून जो कि हिप हॉप नहीं है, ये हरियाणवी सॉन्ग है। तो सिंपल सा आप लोगों को गाइस सर्च करना है लूट लिया, एंड ये काफी ज्यादा गाइस ये सॉन्ग ट्रेंडिंग पे चला था जब ये सॉन्ग लॉन्च हुआ था, एंड अभी भी इस पे रील्स बहुत ही ज्यादा बनता है। तो जिस तरह आप लोग ने लूट लिया लिखोगे ना गाइस तो आप लोग को एकदम स्क्रॉल करके एकदम लास्ट में चले जाना है। तो जिस तरह लास्ट में जाओगे तो यहां पर ये वाला सॉन्ग आप लोग को शो कर देगा। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूं जिससे आप लोग को आइडिया लग जाए कि ये सॉन्ग कैसा है। तो कि जैसा कि आप लोग ने हमारा सिक्स कॉलर ट्यून कंप्लीट सुन लिया, अब चलते हैं गाइस हम अपने सेवंथ कॉलर ट्यून को बताते हैं जो कि ये गाइस काफी ज्यादा एटीट्यूडेबल कॉलर ट्यून है, एंड ये पर्सनली मुझे भी काफी अच्छा लगता है ये तीनों कॉलर ट्यून अभी जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहना। तो देखो हमारा जो पहला कॉलर ट्यून है ये गाइस मैं आप लोग को स्पेलिंग सर्च करके दिखाता हूं, देखना एक भी स्पेलिंग गलत मत लिखना वरना सॉन्ग शो नहीं करेगा। तो गाइज इस सॉन्ग का नाम है डॉन, एंड ये कॉलर ट्यून गाइज मुझे डेफिनेटली एकदम नेक्स्ट लेवल का लगा था। तो मैं आप लोग को प्ले करके सुना देता हूँ, आप लोग अंदाजा लगा लेना। तो गाइज अगर बात कर ही रहे हैं एटीट्यूड कॉलर ट्यून की तरफ, तो एक सॉन्ग और मैं आप लोग को सुना देना चाहता हूँ जिसका नाम है गाइज वारलैंड, एंड ये डेफिनेटली गाइज अगर आप लोग को एटीट्यूड कॉलर ट्यून या सॉन्ग पसंद आता है तो ये ऑफकोर्स आप लोग सेट करोगे। एक बार सुनकर देखो यार की तो खड़ी पावे। देन गाइस अब हम बात कर लेते हैं हम अपने कुछ रोमांटिक सॉन्ग की तरफ, एंड रोमांटिक लवली सॉन्ग। तो गाइस ये वाला कॉलर ट्यून काफी ज्यादा पहले वायरल हुआ था, एंड इसका नाम है गाइस जरा सा, एंड ये कॉलर ट्यून गाइस डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को किस तरीके का कॉलर ट्यून चाहिए, मैं उस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके ये वाला सॉन्ग सुना देता हूं, अगर अच्छा लगे तो इसको भी आप लोग सेट कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि ये सॉन्ग ओल्ड सॉन्ग है। देन गाइज अब बात कर लेते हैं हम अपने कुछ प्रीवियस सॉन्ग के बारे में जो कि बहुत सारे सॉन्ग लोगों को नहीं मिला। तो गाइज पहला हम बता देते हैं जिसका नाम है कंगना। तो देखो सबसे पहले तो कंगना सॉन्ग जब आप लोग सर्च कर रहे हो तो स्पेलिंग एक बार मैच कर लेना मेरे से, KANGANA, क्योंकि कंगना में सीधा डायरेक्ट ये KNG के बाद NA लगा देते हैं जिसके बाद सॉन्ग नहीं शो करता, एंड इस सॉन्ग को सेट करने के लिए ना आप लोग को थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा, आप लोग को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो वीडियो कट नहीं करूँगा आप लोग को रियली जो चीज़ें मैं बताता हूँ, तो देखो एकदम स्क्रॉल करके आप लोग को एकदम लास्ट में आ जाना है, नीचे में, एकदम नीचे में भी नहीं जाना है, मिडल ऑफ द सॉन्ग। तो जिस तरह स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर ये वाला हमारा सॉन्ग आ चुका है। तो मैं आप लोग को प्ले करके सुना देता हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको भी सेट कर लेना, ओके। तो गाइस कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक कर क्या रहा, वीडियो को लाइक कर दो अभी कभी। अब चलते गाइस हम अपने लास्ट कॉलर ट्यून के तरफ जो कि एक बोनस कॉलर ट्यून आप लोग के लिए जिसका नाम है गाइस मुझ में। तो ये वाला कॉलर ट्यून भी काफी अच्छा है, जो भी अच्छा लगे सेट कर लेना। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा आप लोग जिस तरह सर्च करोगे तो ये जलेबी मूवी का है, तो मैं आप लोग को प्ले करके सुना देता हूँ, अच्छा कॉलर ट्यून है, तो एक बार सुन लो। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट कॉलर ट्यून की। तो गाइज लास्ट वाला कॉलर ट्यून तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो देखो सिंपल सा आप लोग को गाइज यहाँ पर लिखना है मेरी जिंदगी है, तो ठीक है। और इसको लिखने के बाद गाइज आपको एकदम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो जिस तरह आप लोग स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाना है, थोड़ा सा नहीं पूरा स्क्रॉल कर देना, उसके बाद जिस तरह नीचे आते हो गाइज तो आप लोग को एक सॉन्ग यहाँ पर शो करेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टा पे अभी ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो मैं आप लोग को प्ले करके सुना देता हूँ एग्जैक्टली गाइज ये वाला सॉन्ग एकदम नेक्स्ट लेवल का है, आप लोग सुनकर देखो। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने मेरे इस वीडियो को देखा, अगर वीडियो पसंद आई होगी गाइस तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको पता है कि इसी तरह के वीडियोस चैनल पे आते रहता है। अगर कोई भी इंक्वायरी हो कॉलर ट्यून से रिलेटेड तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।